केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। किसी भी चुनाव के लिए जनता सबसे अहम होती है, क्योंकि जनता के हाथ में ही वो ताकत होती है कि वो आने वाले समय में सही सत्ता चुन सके, सही इंसान को सत्ता की कमान सौंप सके। क्योंकि जनता ही है जिसके वोट के दम पर आने वाले 5 साल तक उनके खुद के विकास का कार्य होता है। ऐसे में जनता का मूड जानना बहुत जरूरी है कि पंचायत चुनाव को लेकर के जनता क्या सोचती है। हमारी टीम सन्हौला पंचायत पहुंची और वहां पर जनता के मूड को जानने की कोशिश की, जनता से बातचीत करने की कोशिश की कि लोग क्या सोच रहे हैं, किसका फेवर कर रहे हैं, किसको वोट देना चाह रहे हैं और कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत हो सकती है। आइए देखते हैं क्या कुछ बात हुई है वहां मौजूद लोगों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। बहुत जगह दूसरे चरण का मतदान भी हो गया है और बहुत जगह सरकार भी बन गई है। इसी तरह भागलपुर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर सन्हौला प्रखंड के सन्हौला पंचायत में हूँ। यहाँ के ग्राम वासियों से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। यहाँ के वर्तमान मुखिया के काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ। इस बार किनको वोट दीजिएगा? उसी के तहत मोती कमला में झरना देवी को। क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद लगता है कि जीतेगा, अच्छा काम भी किया है और जो भी बचा है वो भी काम करेगा। नाम है आपका? राजी आराम। किनको वोट दीजिएगा? झरना देवी को। क्यों दीजिएगा वोट झरना देवी को? क्यों देंगे कि सर, मुल्की में जो रोड बनाया है चारों तरफ वो रोड पूरा घुमा दिया है और इतना मुखिया वाला नहीं घुमाया था और जितना नाला था सब नाला को क्लियर कर दिया, थोड़ा बहुत कम बचा हुआ उसका। क्या उम्मीद लगता है? जीतेगा। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। आप क्या करेंगे? आप तो माल जाल अपना करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है हर किसान के खेत पे पानी, आपके खेत पे पानी पहुंच रहा है? पहुंच रहा है पानी, बहुत साधन जहाँ। मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? किनको वोट दीजिएगा इस बार? झरना देवी को। क्यों दीजिएगा वोट? तो सही है, अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया इसलिए दीजिएगा वोट? जो जीतेगा तो बाकी कुछ। नाम है आपका? क्या करते हैं आप? क्या करेंगे, सही मजदूरी करते हैं। मुखिया जी की तरफ से आपको मनरेगा के तहत काम मिला है? काम पहले क्या मिला है नहीं मिला है हम लोग को पता नहीं है, हम लोग यहाँ रहते भी नहीं है ज्यादा दिन। इस बार किसको वोट दीजिएगा? झरना देवी को। अच्छा काम किया है? हाँ, काम अच्छा किया है। आप किसको वोट दीजिएगा? झरना देवी। झरना देवी का दो चार काम बताऊं, वर्तमान मुखिया हैं। वैसे तो हम यहाँ पे रहते नहीं हैं, हम बाहर में रहते हैं राजस्थान में, ऐसे में मेरे को कुछ पता नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रियंका देवी। इस बार जो वर्तमान मुखिया हैं यहाँ के काम किए हैं। हाँ। कि आप किसको वोट दीजिएगा? झरना देवी को। झरना देवी का दो चार काम बताइए जो आपको अच्छा लगा है। काम बहुत कर रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है बताइए तो। नाला सब भी। रोड नाला सब बना है, आवास वगैरह सबको मिला है, इसलिए झरना देवी को वोट दीजिएगा। क्या लगता है? आप किसको वोट दीजिएगा? झरना देवी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? झरना देवी काम किए हैं यहाँ पे, सड़क नाला सब आवास मिला है। एक मिनट, सावित्री देवी। मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ, देवे ना तब। अबरी बार केकरा वोट देबो? केकरा वोट देबो तो हम की कही देबो, केकरा वोट देबे तो। वर्तमान मुखिया ने काम करने छ? की काम करने छ? करला जे देखे ने, जो रोड बनलो छ, पानी टंकी देलके, वृंदा पेंशन मिलले, मतलब सब काम हो गलो छे। हां, अबरी बार झरना देवी के वोट देबो? हैं, झरना देवी का वोट देबो? नी ना, जकरा होते ओकरा देबे, जकरा मांगते ओकरा देबे। क्या नाम है आपका? रीता देवी। आपको आवास मिला है? आवास इंद्रावास। इंद्रावास? इंद्रावास तो नहीं मिला अभी, नहीं अभी नहीं, लेकिन सूची में नाम छे ना। हां, सूची में सब रो नाम छे। आरो मुखिया जी ने की काम करने छ यहां?
अभी कुछ ना करला जाए लैटरिन दलके। अच्छा रोड बनले पानी दलके बिजली रे सुविधा होले वोट किसको दे रहे हैं? वो नहीं कह सकते हैं लेकिन जो काम करेगा उसी के ना देंगे। वर्तमान मुखिया काम किया है यहाँ? हाँ किया। क्या क्या काम किया है? सड़क बनाया है, नाम कुछ नहीं है, नल बना दिया लेकिन ना तो अधूरे बनाया है। अच्छा अधूरा बना है। हाँ। उनके काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं लेकिन फिर बना देगा पानी निकलने का हम लोग को पोखर में पानी हो जाता है गाँव डूबने लगता है। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? सुशीला देवी। ठीक है वर्तमान मुखिया के काम से आप संतुष्ट हैं? क्या क्या काम किया उन्होंने? काम ये रोड रोड बनाए, रोड रोड बनाए हैं। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? इस बार किनको वोट दीजिएगा? किनको नाम बताइए, किनको वोट दीजिएगा चाचा? क्या लगता है? ठीक है चला रहा है। ठीक चल रहा छे। चलो की करे छ त? हां खेती करे छ। खेत तक पानी पहुंचे रहलो छ? पानी तखनी पड़ता है नहीं तो पानी कौन आते है ना? पानी कहीं गिरेत नहीं जे। मुख्यमंत्री श्री माननीय नीतीश कुमार जी को कहना छे हर किसान को खेत पे पानी पहुंचना। पानी कहां जा रहा है अभी सुखाए के? अच्छा नहर की व्यवस्था ना होलो छे अभी? होते होते तब क्या होते और कुछ नहीं। मुखिया जी जीते तब कराता है या मुखिया हो बोला जे नारो काम या काम करते पानी का तो व्यवस्था होल पा रहे नहीं पानी व्यवस्था तो मैं ये जब ट्यूबवेल देते हो जाते हैं। चलो ठीक छे तो अबरी बार वोट दे रहे छो नहीं दे रहे जी। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद ताहिर। क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी। खेती गृहस्थी करते हैं। आपको आवास मिला है? नहीं नहीं मिल पाया। राशन कार्ड में नाम है? हाँ। राशन मिलता है? हाँ मिलता है। डीलर का मनमानी तो नहीं है? नहीं। अब आप ये बताइए मुखिया जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट है। पूरा संतुष्ट है? क्या क्या अच्छा लगा उनका काम एक दो बताइए। रोड बनवाया, नाला बनवाया। अच्छा पानी टंकी बनवाया, जल निकासी भी करवाए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यही रोड नाला बना रहा है सब काम पर ध्यान दिया। इस बार वोट किसको दीजिएगा? झरना देवी। आप किनको दीजिएगा वोट? उसी का देना। क्यों दीजिएगा वोट? झरना देवी। क्यों दीजिएगा? रोड नाला सब बनाया है, काम भी किया है गांव में और कुछ विकास भी किया है, बढ़िया विकास किया है। बढ़िया विकास किया है। क्या नाम है आपका? जलील नाम है। आपका? क्या करते हैं? खेती गृहस्थी। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? जी हाँ। वृद्धा पेंशन मिल रहा है, कहीं रुकावट नहीं है ना? नहीं कहीं रुकावट। मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है। कितना संतुष्ट हैं? इतना कि खूब खर्चो थे लाला सड़क सब कुछ दिया है। इस बार वोट किनको दीजिएगा? झरना देवी को। झरना देवी को वोट दीजिएगा। क्या लगता है? एकदम बढ़िया लगता है, एकदम होगा। क्या नाम है चाचा? ज्ञानदेव यादव। आप क्या करते हैं? खेती गृहस्थी। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? वृद्धा पेंशन तो मिलना साठ पूरा है, दरखास्त दिया गया है, मुखिया जी दिया है। अच्छा आवास वगैरह मिला है? हाँ मिला। शौचालय वगैरह? शौचालय मिला है। मतलब मुखिया जी के काम से पूर्णता संतुष्ट है? पूर्णता संतुष्ट है। इस बार वोट किनको दीजिएगा? झरना देवी को। आप किनको वोट दीजिएगा? झरना देवी। पैसा पे तो नहीं बिकिएगा? नहीं। सही बोल रहे हैं ना? देख लीजिएगा वीडियो के सामने बोल रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? नाम है आपका? असला। खाना नहीं खाया, तेज बोलिए ना मालिक। असला। क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। आप एक युवा हैं, आपके वर्तमान मुखिया ने आपके लिए क्या किया है? यही रोड बनाया है। रोड बनाया है, नाला बनाया है। नाला बनाया है। आप मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं? इस बार वोट किनको दीजिएगा? किसको? नाम बोलिए। झरना देवी को।